Hello everyone, this is lecture number 1 for classification of elements and periodicity in properties class 11th. I am Keshav Agarwal. I am pursuing masters in mathematics from IIT Kanpur. So before we study this unit, let me just give a quick recap to you of what we are going to study in this recap. So इस यूनिट में हम जैसे कि एज अ नेम सजेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे इस अर्थ पे हमने जितने भी डिस्कवरीज हुई हैं आज तक, जितने भी एलिमेंट्स पाए गए हैं, उनको क्लासिफाई करेंगे और उनमें एक ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, कुछ जनरलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट. सो टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे historical development of the periodic table. ठीक है, मतलब जैसे कि कैसे, मतलब जो आज जो हम periodic table देखते हैं, आपने periodic table देखी होगी, कुछ इस तरह से बनी हुई है जिसको हम modern periodic table बोलते हैं. ये जो आज हम periodic table देखते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी थी? बिल्कुल नहीं. ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है. पहले किसी ने कुछ सोचा, उसने कुछ बनाया, फिर लोगों ने अपने अपने आइडियाज से उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया, अलग अलग लॉज लेके आए, और फाइनली ये जो टेबल देखते हैं हम, ये है वो जो हम देख रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पीरियडिक टेबल इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वी विल ऑल्सो लर्न हाउ पीरियडिक क्लासिफिकेशन periodic classification follows as a logical consequence of the electronic configuration of atoms. ठीक है, और उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे कि periodic trends कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने एलिमेंट्स अरेंज कर दिए. अब एलिमेंट्स को अरेंज करने का पर्पस क्या था? उसको स्टडी करना अच्छे से. तो हम कैसे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम मूवमेंट की वजह से हम स्टडी करेंगे कि उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं. इज पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, तो ये हमारा मेन टारगेट है इस यूनिट का. सो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, कि वाई क्लासिफिकेशन. इसके बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास 10 किताबें हैं, 10 बुक्स है आपकी 11th क्लास की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे अलग अलग 10 किताबें आपके पास, और मैं कहूं कि भाई जाओ 11th क्लास की केमिस्ट्री की पार्ट 1 निकाल के लेके आओ, तो आप आराम से जा सकते हैं, निकाल के लेके आ सकते हैं, क्योंकि 10 ही किताबें आप चेक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट यही अगर मैं आपको एक लाइब्रेरी में भेज दूं और बोल, और वहां पे यूजुअली लाइब्रेरी में तो बुक्स अरेंज होती है कि सेक्शन होता है, इस सेक्शन में ये, इस सेक्शन में ये, बट अगर सपोज अरेंज नहीं है और मैं कहूँ जाओ बच्चे केमिस्ट्री किताब निकाल के लाओ 11th क्लास की इसमें से, तो अब ये बताओ कि आपको कितनी दिक्कत होगी उसको ढूंढने में, क्या आप ढूंढ भी पाएंगे उसको? घंटों लग जाएंगे, और हो सकता है क्या पता आपको मिले भी ना. मतलब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा टू फाइंड दैट बुक. सो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए लाइब्रेरी में क्या होता है कि बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता है, सेक्शन वाइज अरेंज किया जाता है. ये नॉवेल्स का सेक्शन है, ये ऑटोबायोग्राफीज का सेक्शन है, ये हमारा टेक्स्ट जो है आपकी स्कूल में पढ़ा जा रहा है ये उसका सेक्शन है. यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की, ऐसे पूरा डिवाइडेड होता है टेक्स्ट सेक्शन में. यहाँ पे 11th क्लास की बुक मिलेंगी, यहाँ 12th क्लास की बुक्स मिलेंगी. तो ये जो क्लासिफाई कर दिया होता है चीजों को, अलग से सेपरेट करके सेक्शन बना देते, इससे आपको आसानी से मिल जाती है चीजें. तो सेम हमारा जो आइडिया है कि चीजों को स्टडी किया जा सके, आराम से उनको समझा जा सके. सो 1800 में हमारे पास सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे, 1800 में
सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे, बट एज अ टाइम गुरु आज की डेट में देखा जाए तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है। अब ऐसे में आप ये सोचो कि भाई 10-15 एलिमेंट होते तो ऐसे ही जरूरत नहीं थी यार, मतलब क्लासिफाई करने की, ऐसे ही याद कर लेते। बट जब आपके पास 120 एलिमेंट्स आ चुके हैं और फ्यूचर में और भी आ सकते हैं, तो ऐसे में क्लासिफिकेशन बिकम्स अ नेसेसिटी। ओके, सो टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट रिसर्च फॉर सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। सो नॉट ओनली दैट इट वुड रैशनलाइज नोन केमिकल फैक्ट्स अबाउट केमिकल्स, बट इवन प्रिडिक्ट न्यू वंस फ्रॉम अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। इससे बस ये फायदा नहीं होगा हमारा कि हम क्लासिफाई करके स्टडी कर सकेंगे, बट हमें ये भी मदद मिलेगी कि हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जो नया एलिमेंट जो डिस्कवर कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होंगी, वो भी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो एक क्विक पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल का कि कैसे कैसे डेवलप हुई। तो सबसे पहले हमारे डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं डोबिनियर्स ट्रेड की। दिस वाज केम अप इन 1829। उस समय डोबिनियर एक जर्मन केमिस्ट जॉन डोबिनियर पहले साइंटिस्ट थे जिसने आइडिया ऑफ ट्रेंड्स को कंसिडर किया अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में। उन्होंने पहली बार इस चीज के बारे में सोचना शुरू किया और उन्होंने ही नोटेड अ सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। उन्होंने आप जैसे कि टेबल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया और उन्होंने कहा कि जो ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास सोडियम का होगा, सिमिलरली इन दोनों का एवरेज इसके बराबर होगा। चेक कर सकते हैं लिथियम और आप सोडियम का एटॉमिक मास को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट डिवाइड बाय टू करेंगे क्या मिलेगा 23 विच इज इक्वल टू सोडियम। सो ये आइडिया था उनका कि भाई आप एलिमेंट्स को उन्होंने रख दिया और कहा कि भाई देखो लिथियम और सोडियम का पोटेशियम का जब मैंने एवरेज लिया तो देखो सोडियम का हमें मिल गया। तो मतलब उन्होंने कहा कि मिडल एलिमेंट ईच ऑफ द ट्राइड हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू। ठीक है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो पहले लिख देते हैं इस बात को अच्छे से कि डोबिनियर ने क्या कहा। डोबिनियर्स ट्राइड्स, सो डोबिनियर ट्राइड्स ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। He claimed that middle element of each of the triads had an atomic weight about half way between the atomic weight of other two। ठीक है, यही बात मैंने पीछे समझाई थी, atomic weight of अदर टू। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल कि लिथियम का अपना एटॉमिक वेट कितना है, 7 है रफली, और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 है। तो सोडियम का आपको निकालना है तो आपने क्या 39 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कर दिया जो आपको मिला 23। और इस तरह से उन्होंने कहा कि ये आपके ट्रेड्स बन गए और उन्होंने क्या इन सबको क्लासिफाई कर दिया और इन सब में ये फॉलो हो गया। बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, ये परफेक्टली नहीं था, इसमें हमारे कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस, सबसे पहली लिमिटेशन तो हमारी ये थी कि डोबिनियर कुड नॉट अरेंज द ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इनटू ट्रेड्स। कि भाई जितने भी एलिमेंट्स उस समय नोन थे वो हर एलिमेंट को इस तरीके से नहीं रख पाया, हर एलिमेंट को नहीं रख पाया ऐसे ट्रेड्स में। और लोगों ने कहा कि भाई आपने जो ये किया है ये जस्ट मियर कोइंसिडेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि वो सब एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए इस फॉर्म में, जितने भी उस टाइम में नोन थे वो लिमिटेड एलिमेंट्स को ही कर पाए इस तरीके से। और इसलिए लोगों ने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो एक सिर्फ कोइंसिडेंस है।
सो इसकी लिमिटेशन में आप लिख सकते हैं कि ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इनटू ट्रेस. तो ये तो होगी पहला डेवलपमेंट्स. ठीक है, यहां से बातें होनी शुरू हो गई थी. मतलब ये पहले बंदे थे जिसने ऐसे ट्राइड्स में क्लासिफाई करने के बारे में सोचा, ट्रेंड्स के बारे में सोचा. उसके बाद फिर आगे भी काम हुआ काफी. ठीक है, उसके बाद फिर अपने आए न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया उन्होंने. और ये अपनी बात हुई लगभग 1864 में, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया. और इन्होंने कहा कि भाई जैसे सारे गामा पा धा नी होता है, उसके बाद क्या आता है, सा आता है ना, तो सेवन के बाद रिपीट होता है. तो इन्होंने कहा कि हर एलिमेंट, एवरी एट एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट, जस्ट लाइक इन म्यूजिकल नोट. कि आठवां जो एलिमेंट आएगा वो हमेशा पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेगा. इनका क्लेम ये था. सो इन्होंने क्या कहा, इनका लॉ क्या कहता था, when Newland states that when elements are arranged in order of increasing atomic masses, every eighth element has properties similar to first, just like in musical note. डोबेर ने कहा, फिर न्यूलैंड ने कहा कि आप increasing atomic masses में arrange कर दो elements को, every eighth element will have properties similar to the first element, just like म्यूजिकल नोट. सारे गामा पादा नी सा, नी के बाद सीधा सा आया, रिपीट हो रहा है. तो सेम उन्होंने कहा कि भाई प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी. और ये इन्होंने टेबल बनाई जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. बट इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं. देखो, दिक्कतें हमेशा थी. लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसमें दिक्कत आई, फिर लोगों ने कुछ मॉडिफाई किया. जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा होगा, जी थॉमसन ने मॉडल दिया अपना कि भाई एक तरबूज की तरह होता है. और उसके बाद रदरफोर्ड का आया, फिर और एक्सपेरिमेंट हुए, रदरफोर्ड के में भी कुछ दिक्कतें थी, फिर वो ऐसे ही चल रही है पीरियोडिक टेबल की कहानी. कि लोगों ने कुछ बनाया, उसमें कुछ दिक्कतें थी, फिर किसी ने कुछ नया आइडिया दिया, उसमें कुछ दिक्कतें थी, फिर लोगों ने और कुछ अच्छा आइडिया दिया. तो इसी तरीके से हमारी कहानी आगे बढ़ती रहती है. तो इसमें भी हमारे पास कुछ दिक्कतें थी. इवन दो आप जो हम आज पीरियडिक टेबल स्टडी करते हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, उसमें भी हमारे कुछ दिक्कतें हैं. पर ऐसा नहीं है कि मतलब उसके बाद लोगों ने बनाना ही छोड़ दिया. बनाया है पर उतना बेहतर नहीं है, इतना एक्सेप्टेबल नहीं है. जो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं वही अभी वाइडली यूज है हर जगह पे. ठीक है, तो सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक ही सक्सेसफुली क्लासिफाई किया. ठीक है, इस क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल अप टू द एलिमेंट कैल्शियम. कैल्शियम तक ही ये अच्छे से हो पाया, उसके बाद ये चीजें सेट नहीं हुई. कि भाई जनरलाइजेशन करना इतना आसान थोड़ी होता है कि कुछ तक तो आपने जो आंसर निकाला है वो फॉलो होता है, उसके बाद वो वायलेट हो जाता है. और इसमें एक और दिक्कत थी कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई बाद में भविष्य में, तो उनके लिए देयर इंक्लूजन इन दीज ऑक्टेव डिस्टर्ब द एंटायर अरेंजमेंट. कि भाई बाद में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई और जब इनको इसमें रखा गया तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट खराब हो गया. उस टाइम जब नोन थे एलिमेंट्स उनके हिसाब से तो फिर भी सेट बैठ गया था कैल्शियम तक, बट बाकी के लिए पूरा खराब. नोबल गैस एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट अ लेटर स्टेज देयर
इंक्लूजन, ये सब बातें ध्यान में रखने वाली हैं जितनी भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली पूछ लेता है कि भाई न्यूलैंड ने क्या लॉ दिया, उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, क्लासिफाई किया चीज़ों को, और उसमें क्या दिक्कतें थी, ये पूरा का पूरा सवाल आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद और काम हुआ, फिर लॉथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व 1869 में उन्होंने फिर अपना एक तरीका दिया, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मासेस की मदद से उन्होंने प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किया। ही कंक्लूडेड दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजिशन इन द कर्व, बट ये इतना फेमस नहीं हुआ, ये इतना लोगों के बीच में प्रचलित नहीं हुआ। फिर हमारे डायरेक्टली बात आ जाती है मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये काफी फेमस हुई थी। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन पीरियड मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, और उन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो अभी आप फॉर्म देख पा रहे होंगे, जो नई जो पीरियोडिक टेबल, जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है, तो मतलब ये काफी ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, और जब उन्होंने किया था एट दैट मोमेंट अराउंड 63 एलिमेंट्स वर नोन, और पहले चलो इसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं कि इनका लॉ क्या था, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले वो समझते हैं। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, याद करने वाला स्टेटमेंट है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडेलीव्स अरेंजमेंट कैसा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में उन्होंने ऑर्डर किया इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स इन सच अ वे दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। उन्होंने एलिमेंट्स को वर्टिकल ग्रुप कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में, सच दैट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे दे ऑक्यूपाइड सिमिलर सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस ये भी एक अच्छा सवाल है, पेपर में सीधा पूछता है कि स्टेट मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि सिस्टमेटिक स्टडी, इसको आप अचीवमेंट की तरह भी ले सकते हैं, कि अचीवमेंट्स की फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं, कि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अचीवमेंट्स क्या क्या हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के, कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, इन्होंने जिस तरह से एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया वो एक सिस्टमेटिक स्टडी, जो हमारा जो मेन गोल था कि हम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकें, वो फुलफिल कर रहा था, स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। और इसमें सबसे खास बात पता क्या है इस टेबल में, उन्होंने जब टेबल दी है, उन्होंने कुछ पोजीशंस को खाली छोड़ दिया। तो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों क्लासिफाई करना है हमें, क्लासिफिकेशन का जस्ट पर्पज ये नहीं है कि आप उसको स्टडी अच्छे से कर पाओ, बट इवन दो आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर पाओ कि क्या क्या एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती, वो काम इस टेबल ने बखूबी निभाया। उन्होंने ना सिर्फ सिस्टमेटिक स्टडी दी एलिमेंट्स की, बट उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे पोजीशंस खाली छोड़ दी और बता दिया कि यहाँ पे ऐसा एक एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, बट अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। समझ लो कितनी शानदार, कितनी बढ़िया बात है कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम
एंड गैप अंडर सिलिकन, सिलिकन और एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने गैप छोड़ दिया, ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा सिलिकन, ठीक है, और उनको नाम दे दिया एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकन, ठीक है। इन्होंने गैलियम और जर्मेनियम की बात हो रही है, ये रहा गैलियम और ये रहा जर्मेनियम, ये दोनों उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे हमारे, तो ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकन एंड कॉल्ड दीज एलिमेंट्स एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकन। मेंडेलीव, मेंडेलीव नॉट ओनली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर जनरल प्रॉपर्टीज जो कि। और यहाँ पर अब देखो ये एक नंबर में पूछा जाने वाला आसानी से सवाल है कि भाई ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जो मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई डिस्कवर नहीं हुए थे बट उन्होंने उनके लिए स्पेस खाली छोड़ दिया था, तो गैलियम एंड जर्मेनियम एक मार्क्स में पूछा जा सकता है इसलिए। तो जब मेंडेलीव ने क्या किया, इंक्रीज उन्होंने रोज और कॉलम्स की फॉर्म में इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को, और उन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उस क्लासिफिकेशन से अचीवमेंट्स क्या क्या हुई हमारी, हमें एक सिस्टमैटिक स्टडी मिली एलिमेंट्स की, और उन्होंने कुछ कुछ खाली गैप्स भी छोड़ दिए क्योंकि वो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, और उनका नाम उन्होंने बोला एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकन, ऐसे करके दो एक एलिमेंट मिलेंगे जिसकी उन्होंने एग्जिस्टेंस बताई और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने प्रिडिक्ट कर दी, ठीक है। और उसके बाद थर्ड अचीवमेंट क्या था उनका, नेक्स्ट अचीवमेंट ये था एटॉमिक मास करेक्शन, एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल डाउटफुल एलिमेंट्स ऑन द basis of their expected positions and properties। So ये थी हमारी predict table के achievements जो इन्होंने बनाई। But as I said कि जो हमारी जो आज जो predict table पढ़ते हैं वो भी perfect नहीं है, उसमें भी limitations हैं। इस पीरियडिक टेबल में लिमिटेशंस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बहुत खतरनाक एलिमेंट है, मतलब वैसे खतरनाक डेंजरस नहीं, मतलब पोजीशन हमेशा दिक्कत में रही है इसकी। तो हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड in group 1A alkali metal, but it also resembles with halogens gens of group 7A. its position is controversial। जो हमारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ रखा गया है, देखो यहाँ रखा गया है 1A में, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये 7A में भी अप्लाई करने वाले जो हेलोजेंस है उनके साथ रिजेंबल करती है, सो इसीलिए उसकी पोजीशन काफी कंट्रोवर्शियल है। एक तो ये हमारा डिफेक्ट्स हैं इस प्रीडिक्ट टेबल में। सेकंड डिफेक्ट है हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। क्या होते हैं भाई आइसोटोप्स, वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1, ठीक है, इसको कैसे, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ये होता है इसका नाम, है ना,
तो ये आइसोटोप्स के एग्जांपल हो गए। और इसमें दिक्कत क्या थी, ये मेंडलीज का क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट पे बेस्ड था, तो आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन मिलने चाहिए एटॉमिक वेट्स की मदद से, है ना। बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जैसे कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं 1, 2, 3 एटॉमिक वेट के, तो इन तीनों को एक अलग अलग जगह मिलनी चाहिए, बट इनको तो कोई अलग जगह नहीं मिली हुई। तो ये भी एक दिक्कत ही है इस टेबल की। तो लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। Isotopes would have to be placed in different positions due to their different masses। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो एक लिमिटेशन हो गई हमारी, और उसके बाद और भी है हमारे पास। थर्ड लिमिटेशन एनोलमस भी पोजिशन ऑफ सम एलिमेंट्स, एनोमलस पोजिशन ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, तो विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, ठीक है, बट उन्हें पहले रख दिया गया और उनके कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को बाद में रखा गया। फॉर एग्जांपल कि एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम ये रहा आपका एल्यूमिनियम, ये आपका एल्यूमिनियम है, और आपका पोटेशियम कहाँ है, पोटेशियम कहाँ गया ढूंढो, पोटेशियम देख नहीं रहा। एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 39.9 एंड पोटेशियम का है 39.1, ठीक है, बट एल्यूमिनियम को उन्होंने पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में रखा। हाँ, सिमिलरली कोबाल्ट के साथ हुआ, कोबाल्ट का जो अपना एटॉमिक वेट था वो कितना है, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट है 58.9, बट उसको पहले रखा गया, और निकल का वेट है 58.7 और उसको बाद में रखा गया। भले फर्क कम है लेकिन फर्क तो है ना। ये रहा, कोबाल्ट को पहले रखा गया है, निकल को बाद में रखा गया है, ये देखते हुए भी कि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा है निकल से, तो कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था। मतलब उन्हें प्रॉपर्टी को सेट बिताने के लिए जबरदस्ती तो करी है थोड़ी बहुत एलिमेंट्स के साथ। तो एक लिमिटेशन ये भी आ रहा है कि विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन, भाई जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज कर ही रहे हो, और फिर बीच में कहीं प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत आई, आपने जबरदस्ती अपनी मर्जी से इधर उधर कर दिया, तो ये गलत बात है ना। तो एक ये इसकी लिमिटेशन होगी, विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन सम केसेस द एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास precedes the element with lower atomic mass। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, कि एल्यूमिनियम precedes पोटेशियम, कोबाल्ट precedes निकल। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल आ गए। और फिर फोर्थ लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। सो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वर नॉट प्लेस्ड इन द मेन पीरियोडिक टेबल। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वर नॉट प्लेस्ड इन the main periodic table। okay, ये थी हमारी कुछ limitation इस periodic table की। उसके बाद फिर वो table बनी जो आज हम सब
पढ़ते हैं 1913 में, और इसका सारा क्रेडिट, इसकी डेवलपमेंट का क्रेडिट जाता है हेनरी मूसले को, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी मदद से ही शोड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मासेस। इन्होंने एटॉमिक मास वाला तो सिस्टम खत्म ही कर दिया, हम एटॉमिक मास से नहीं करेंगे भाई, अरे हम एटॉमिक नंबर से करेंगे। और उससे फिर उन्होंने ये टेबल बनाई जो आज हम देख रहे हैं अपने सामने, इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, हालांकि 1913 में हुई थी बट फिर भी ये मॉडर्न ही है, ठीक है, ये बात मानो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और हमारे सारी स्टडी अब इसी टेबल के अराउंड घूमेगी। अभी तक तो हमने सिर्फ हिस्टोरिक डेवलपमेंट की बात की कि किस प्रकार से हमारी जो टेबल है वो डेवलप हुई, मतलब किससे कैसे चली। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम स्टार्टिंग स्लाइड में जब हम आपको प्रीकैप दे रहे थे तो उसमें ही मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमने जरूरत क्यों है ये पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्कस किया हिस्ट्री कि कैसे कैसे डेवलप हुई, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और फाइनली आज हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे पास एक शानदार सी पीरियोडिक टेबल है जो काफी बढ़िया है, इसी को हम सब याद करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल है एटॉमिक मास से, तो हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस से नहीं एटॉमिक नंबर से करना चाहिए। अभी तक हमने जितनी भी पीरियोडिक टेबल्स को स्टडी किया सब लोगों ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया, इन्होंने एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे किया, ठीक है। और इन्होंने कहा मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई किया, एंड ही स्टेटेड उन्होंने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव ने क्या कहा था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट मूसले भैया ने कहा नहीं, एटॉमिक नंबर्स मोर फंडामेंटल देन मासेस, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स नॉट एटॉमिक मासेस। So this was the law given by Henry Moseley, and this is considered to be modern periodic law, जिसके basis पे पूरी modern periodic table बनाई गई है। This is modern periodic law. Exam में आपसे ये directly state करने को बोला जा सकता है, ठीक है। So when the elements were arranged in increasing order of atomic number, it was observed that the properties of elements were repeated after certain regular intervals. The numbers are called magic numbers and cause of periodicity in properties due to repetition of similar electronic configuration. इस periodic table के बाद ऐसा नहीं लोगों ने नहीं बनाया periodic table, बहुत काम हुए, numerous form of periodic table have been devised from time to time. कुछ लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड वैलेंसी के बेस्ड पे किया, कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे किया, मतलब अलग अलग तरह से बनाए, बट जो हम लॉन्ग फॉर्म जो ये जो फॉर्म पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है और वाइडली यूज्ड है। इसके बाद भी बहुत काम हुआ है पर यही है जो हम मेजरली स्टडी करते हैं और हर जगह यही की जाती है यूज। तो जब इन्होंने टेबल बनाई थी इन्होंने एलिमेंट्स सॉरी ग्रुप्स को 1A ऐसे करके लिखा गया था, 7A 8A ये सब लिखा था, बट बाद में फिर IUPAC मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उन्होंने नंबर को चेंज करके ग्रुप्स में कर दिया 1 to 18, जो आप ये देख रहे हैं 1 to 18 ऐसे बना दिया उन्होंने, पहले ऐसा नहीं था, उन्होंने 1A 1B ऐसे करके जैसे अपने मेंडलीव ने किया था उस फॉर्म में उन्होंने किया था, बट बाद में उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारी इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ
फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर में हम ये करेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड बोहर पीरियोडिक टेबल. देयर आर 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास इसमें. ठीक है, और 7 पीरियड्स हैं. ठीक है, और उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स आर कॉल्ड पीरियड्स. ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पीरियड में क्या क्या है. फर्स्ट पीरियड में हमारे पास एलिमेंट हैं 2 सिर्फ, हाइड्रोजन और हीलियम. फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है. ठीक है, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स. इट इज शॉर्टेस्ट पीरियड. इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड है शॉर्टेस्ट पीरियड. फिर हम देखते हैं सेकंड पीरियड के बारे में. सेकंड पीरियड में हमारे पास एलिमेंट हैं लिथियम से लेके नियॉन तक. सेकंड पीरियड में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 एलिमेंट्स हैं आपके पास सेकंड पीरियड में. ठीक है, देयर आर 8 एलिमेंट्स. ठीक है, और थर्ड पीरियड जो है अपना, उसमें हमारे एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 11 नाइट्रोजन से लेके आर्गन तक. मतलब इस तरह से आप यहीं से देख लीजिए फोटो से, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, कि ये आपका फर्स्ट पीरियड नंबर 1 है ये वाला, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. इस तरह से अरेंज हुए हैं. और ये ग्रुप्स कौन से हैं, ये वर्टिकल ग्रुप्स हैं. ये सारे वर्टिकल कॉलम्स जितने भी हैं ये सारे ग्रुप्स हैं. ठीक है, तो इसमें हाँ ग्रुप्स के बारे में एक चीज़ हाँ ध्यान रखने वाली है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन. इससे बेटर ग्रुप्स के बारे में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं. हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, नोन एज ग्रुप्स. 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं. और पहला जो ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स. क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स. और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में, बट पहले मैं थोड़ा सा सॉरी ओवरव्यू दे देता हूँ आपको बस. ठीक है, उसके बाद फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कली अर्थ मेटल्स. ये छोटी छोटी पूछे जाने वाले सवाल हैं, 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स. ठीक है, उसके बाद ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड चालकोजन्स. क्या बोलते हैं, चालकोजन्स. दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. और फिर उसके बाद है हमारे पास ग्रुप 17. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजन्स. हेलोजन्स, ठीक है, सी सॉल्ट फॉर्मिंग. और उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस. ठीक है, कि मैं एक बार आपको इस पीरियड टेबल से भी दिखा देता हूं कि ये जो ग्रुप 1 है हमारा, ये पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स. ठीक है, ये ग्रुप 2 है, ये जो ग्रुप 2 है, दिस इज कॉल्ड अल्कली अर्थ मेटल्स. ठीक है, इनके एलिमेंट्स को. ग्रुप 16 है ऑक्सीजन
सल्फर ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं चालकोजन्स। ग्रुप 17 जो हेलोजन्स बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारे हेलोजन्स हैं। मतलब हेलोजन्स के साथ तो बहुत काम पड़ने वाला है, आप केमिस्ट्री आगे आगे पढ़ेंगे बहुत काम आएंगे, हेलोजन्स बहुत यूज होते हैं, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। और 18 ग्रुप में आप जो देख पा रहे हैं ये है हमारी नोबल गैसेस, हीलियम नियोन आर्गन ये सब हमारी जिनोन, ये सारी हमारी क्या है नोबल गैसेस है। ठीक है, ये तो था एक बातें अबाउट द ग्रुप्स। बट इसमें भी हमारे पास देखो एक दिक्कत है, एनोनिमस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, एनोमलस 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 बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो जो हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ग्रुप डिफर्स कंसिडरेबली फ्रॉम इट्स रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इट्स ग्रुप, कि मतलब जो हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बाकी के एलिमेंट से थोड़ा सा डिफर करता है। दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, एनोमलस बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड अमंग द सेकंड रो एलिमेंट्स। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप डिफर्स कंसिडरेबली फ्रॉम इट्स congener. This is due to why this is happening due to small size, वे जो पहले होते हैं उनके थोड़े छोटे साइज हैं, high electronegativity, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम, साइज के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करना बिल्कुल। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू फोर मेन ब्लॉक्स, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है फोर मेन ब्लॉक्स में डिवाइड की गई है, जिसका नाम SPDF है। पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू फोर मेन ब्लॉक्स SPDF, और हर ब्लॉक को हम अच्छे से अभी थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करेंगे। अब जब आप 12th क्लास में आएंगे तो पूरा पूरा आपको यूनिट पढ़ने को मिलेगा हर ग्रुप के बारे में। SPDF ये चार ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के बारे में आपको एक पूरा अच्छे से यूनिट पढ़ने को मिलेगा, और फिर उसमें हर ब्लॉक को के अंदर जितने भी ग्रुप है एक एक ग्रुप के लिए अच्छे से प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा बस अभी तो मैं, क्योंकि हमारा इतना नहीं है सिलेबस में। ये है हमारा एस ब्लॉक, ठीक है, ये जो है हमारा ये वाला, ये है हमारा पी ब्लॉक, ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये है पूरा का पूरा डी ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे जो ये अलग से पड़ा है ये है हमारा एफ ब्लॉक। सो इस तरीके से जो हमारी टेबल है पूरी की पूरी बनाई गई है। हालांकि अब हमारे पास वैसे तो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स मेन है स्टडी करने के लिए, बट सिंस हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है लगता है मुझे, तो मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पूरी की पूरी अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया। सो लेट अस समराइज। तो वी स्टार्टेड विद कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि हम एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको अच्छे से स्टडी कर सकें। सिंस हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं, 120 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं, तो ऐसे में हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इंडिविजुअली याद कर पाना बहुत कठिन होता जाता है। तो आपके लिए ही इस पीरियडिक टेबल को बनाया गया कि जिससे कि लोग इस पीरियडिक टेबल की मदद से प्रॉपर्टीज को आसानी से स्टडी कर सके। अब जैसे कि अब ग्रुप्स में बांट दिया, अब आपको ये आराम से याद हो गया कि भाई हाँ ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो इससे आपको मतलब एक साइकोलॉजी में भी एक स्टडी है कि भाई आप कितने अमाउंट ऑफ डेटा को ही एक बार में
थ्री बिट्स होती है हमारे दिमाग में और हम हर बिट में दो दो होती हैं कैपेसिटी, इसलिए एट आइटम्स ही एक बार में याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है कॉन्सेप्ट। तो बट उसको ओवरकम करने के लिए हम चंकिंग का यूज करते हैं कि भाई हम चंक्स में जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है उनको कंबाइन कर देते हैं जिससे कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद रखा जा सके, उनको स्टडी किया जा सके। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि भाई चीजों को थोड़ा क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है जिससे कि आप उसको बेहतर ढंग से समझ सके। तो ये था हमारा मेन रीजन टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल। सो इट वॉज द डॉबेरियर हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले कौन आया हमारा? डॉबेरियर, डॉबेरियर स्ट्राइड्स। डॉबेरियर आए हमारे कौन से साल में आए? ये आए थे हमारे 1829। साल याद रखना जरूरी नहीं है, मैं तो एक कहानी की तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस। डॉबेरियर आए और उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, और उन्होंने कहा कि भाई ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसका और इसका जब आप एवरेज लेंगे तो इस एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। बट इसमें दिक्कत ये हुई कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स तक ही किया, ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स तक ही क्लासिफाई कर पाए, सारे के सारे क्लासिफाई नहीं कर पाए। भाई जब आपका कोई कॉन्सेप्ट दो और वो कुछ तक ही चले, पूरा चल ही नहीं पा रहा जितने भी हैं, तो वो तो कॉन्सेप्ट फिर फेल ही माना जाएगा ना, जनरलाइजेशन होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से ये चीज गलत होगी भाई कि नहीं भाई तुम्हारा तो एक टुक्का भिड़ गया, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आए हमारे न्यूलैंड, न्यूलैंड, और न्यूलैंड आए हमारे 1864 में। इन्होंने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और इन्होंने मदद ली सारेगामा पादा नीसा, मतलब हमारे जो सेवन नोट्स होते हैं ऑफ म्यूजिक, म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं, उनकी मदद, उनसे मतलब मदद मिली उनकी, उनसे कंपेयर करते हुए बताया कि एलिमेंट्स को जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में ऑर्गेनाइज किया तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि जो म्यूजिकल नोट्स में हमेशा एट्थ म्यूजिकल नोट फर्स्ट से सिमिलर होता है, सिमिलरली जो हमारा एट्थ एलिमेंट होगा हमेशा वो फर्स्ट से कोइंसाइड करेगी, उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट के साथ कोइंसाइड करेगी। बट दिक्कतें इसमें भी बहुत सारी थी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही कर पाए, उसके बाद ये नहीं चला। और बाद में जब नोबल गैसेस वगैरह जब डिस्कवर हुई, वो इस ट्रेंड में जब उन्होंने सेट करने की कोशिश की, वो नहीं बैठी, ये पूरा का पूरा ट्रेंड बिगड़ गया। तो इस तरह से इनका भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। फिर बाद में एक और आए थे लोथर मेयर, और उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम की मदद से उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी और ये ज्यादा फेमस भी नहीं हुए, ठीक है। और उसके बाद फिर मेन हमारे आए मेंडेलीव, इन्होंने मतलब एकदम बहुत ज्यादा बदलाव ला दिया चीजों में, ये फेमस हुए हमारे काफी। मेंडेलीव 1869 में, इन्होंने कौन से साल में किया था पता नहीं, साल छोड़ो भूल गए, मेंडेलीव ने किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एटॉमिक हमारे जो एलिमेंट्स थे उन्होंने रोज और कॉलम्स में, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, और उन्होंने कहा कि भाई एक लॉ भी दिया जिसको कहते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने ये लॉ दिया और ये काफी पॉपुलर भी हुई ये टेबल, और इसके काफी अचीवमेंट्स भी थे। अचीवमेंट्स जैसे कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे एक सिस्टमैटिक स्टडी मिल गई हमें करने के लिए, और इन्होंने कुछ कुछ जगहों पर गैप भी छोड़ दिए खाली, और वो गैप किस लिए छोड़े, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आएगा कि जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है बट फ्यूचर में डिस्कवर होगा और वो यहाँ रखा जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि भाई आपने एक्चुअली प्रिडिक्शन कर दिया आपकी टेबल्स में से लगा के, मतलब तो काफी बड़ी बात है और एक काफी बड़ी अचीवमेंट है कि आपने ऐसा सब किया। तो ये काफी फेमस हुई मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और फिर बाद में जब हमारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, होने से पहले उन्होंने रख दिया कि एक का एलिमेंट, एक का
सिलिकन के नाम से बुला दिया, बाद में जर्मेनियम और गैलियम दोनों डिस्कवर हुए और लोगों ने पाया कि यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेट हो रही है यहाँ पे, तो विच वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ दैट टाइम, ठीक है। और उन्होंने एक और अचीवमेंट ये था उनकी पीरियडिक टेबल का कि कुछ एटॉमिक मासेस जो थे वो डाउटफुल थे कुछ एलिमेंट्स के, और जो पोजीशन उनके हिसाब से जो बैठ रही थी उसके हिसाब से उन्होंने रखा और बताया कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। तो इस प्रकार से मेंडेलियन की पीरियडिक टेबल डेवलप हुई और काफी फेमस हुई। बट दिक्कतें इसमें भी कुछ थी। दिक्कतें क्या क्या थी कि जो वही हाइड्रोजन था हमारा, उसकी पोजिशन हमारे एल्कली मेटल्स के साथ रखी गई, बट उसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन्स के साथ भी रिजेंबल कर रही थी। ये एक हमारे प्रॉब्लमेटिक थी। तो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो गई, कंट्रोवर्शियल हो गई। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, भाई जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे जब अरेंज कर रहे हैं, तो जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप कौन से होते हैं हमारे, कि उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है बट नंबर सेम होता है। जैसे कि ये हमारे सारे क्या है, आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, तो इनको अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए क्योंकि भाई इनके एटॉमिक मासेस तो वेट तो अलग अलग हैं, बट इनको तो कोई अलग पोजीशन नहीं दी गई। और फिर लैंथेनाइड एक्टिनाइड के लिए कोई पोजीशन ही ढंग से डिफाइन नहीं करी गई। तो ये इसकी दिक्कतें थी मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल की। फिर उसके बाद आए हमारे हेनरी मुसले, उन्होंने फिर जो पीरियोडिक टेबल दी वो आज भी एक्सेप्टेड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम सब आज पढ़ रहे हैं। और उसके बाद भी काफी पीरियोडिक टेबल लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाई। हेनरी मुसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे का कुछ उन्होंने ग्राफ प्लॉट प्लॉट किया, और उससे उन्होंने ये बताया कि जो एटॉमिक नंबर है दैट इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मासेस। और फिर उन्होंने मेंडेलीव के जो लॉ था कि भाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उसको चेंज करके कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। इन्होंने रोज एंड कॉलम्स में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, और जो आप जो आज पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो आपको मिली। उन्होंने 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स की फॉर्म में डिवाइड किया टेबल को। उन्होंने ये जो हमारे 1 और 2 जो ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, 13 से 18 के जो ग्रुप्स हैं उनको बोलते हैं पी ब्लॉक। इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, चिंता मत करना बिल्कुल। और 3 से 12 तक के जो ग्रुप्स हैं हमारे उनको बोलते हैं डी ब्लॉक। और ये जो सारे जो नीचे अलग से पड़े हैं एलेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ये है हमारे एफ ब्लॉक। सो इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को कंबाइन क्लासिफाई किया। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोला जाता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कली अर्थ मेटल्स बोला जाता है, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को चालकोजंस और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजंस बोला जाता है, ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियडिक टेबल फॉर नाउ। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनको थोड़ा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, और फिर जाके हम आएंगे हमारी पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।